पूर्वोत्तर से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, डेली न्यूज 360.com की ओर से पेश है पूर्वोत्तर की बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 2020 तक 118 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ऑफ ग्रिड तथा केंद्रीकृत सौर ऊर्जा फोटो योजना के क्रियान्वयन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें पूर्वोत्तर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 25 लाख सोलर स्टडी लैंप दिए जाएंगे तथा शेष देश भर में 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस चरण में 1895 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है, जिसमें 637 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। तीसरे चरण की ऑफ ग्रिड तथा केंद्रीकृत सौर पीवी एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत देश भर में 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। यह सुविधा उन्हीं क्षेत्रों में विशेष रूप से दी जाएगी जहां ग्रिड से सड़कों पर बिजली पहुंचाने की सुविधा नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एंड कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें।